एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने घर पर ही अपने फ्रंट हेयर्स को कैसे कट कर सकते हो, वो भी लेयर्स में। मेरे जो फ्रंट हेयर है वो काफी ज्यादा लंबे हो गए, लाइक यहाँ तक आने लगे हैं। एंड मैंने अपने बालों को बहुत टाइम पहले हाईलाइट कराया था, तो कलर जो है वो ऑलमोस्ट निकल ही चुका है, बिल्कुल नीचे आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे अपने फ्रंट हेयर्स की कटिंग कर लेनी चाहिए, बिकॉज यार थोड़ा सा दुख होता है कि हम हाईलाइट कराते हैं, वो हम कटिंग में निकाल दे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अब बहुत ज्यादा कलर नीचे आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फ्रंट हेयर्स की कटिंग कर लूं। तो मेरे दिमाग में आया कि ये चीज मुझे आपसे भी शेयर करनी चाहिए, तो मैं हाजिर हूं आपके सामने ये वाली वीडियो लेकर। तो आप देख सकते हो, फ्रंट हेयर अगर हम कट नहीं करते तो हमारे यहाँ से जो बाल है वो काफी ज्यादा कम से लगते हैं, और हम कटिंग कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी लुक आ जाता है हमारे बालों का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल रहे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए देख लेते हैं कि हम अपने घर पर ही अपने बालों को कैसे कट कर सकते हैं। कटिंग करने से पहले आपके बालों में ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए, एंड आपने हेयर वॉश किया हुआ हो अच्छे से, और बिल्कुल भी ऑयल नहीं होना चाहिए। ऑयल होने की वजह से हमारे बाल जो है अच्छे से नहीं कट पाते हैं, तो इसलिए अपने बालों को प्लीज अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद ही कटिंग करें। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि कैसे कटिंग करनी है। तो फिर मैं अपने बालों को इस तरीके से खोल लेती हूँ, एंड अपने बालों को बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉम कर लेना है पहले, तो बिल्कुल भी आपके बालों में जो है टैंगल फ्री आपके बाल होने चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से मैं कॉम कर लूंगी, एंड उसके बाद में आपको इस तरह का एक कॉम चाहिए जिसमें इस तरीके से ये पीछे पतली डंडी हो। आई थिंक इसको मुझे याद नहीं आ रहा से क्या कहते हैं, इसे टैलकॉम कहते हैं आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा। एंड इस तरीके की आपको सेक्शन क्लिप चाहिए होंगी। मेरे पास तो ये सेक्शन क्लिप है, आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर अपने क्लेचर को भी यूज कर सकते हो। तो आपको पहले तो अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है, तो मैंने यहाँ पर कॉम कर लिया अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी अब मेरे बालों में बिल्कुल भी टैंगल्स नहीं है, देख सकते हो आप, बिल्कुल अच्छे से मैंने कॉम कर लिया। उसके बाद में आपको ऐसे करके वी बनाना है अपने बालों का। अगर आपको हैवी कटिंग चाहिए, कान के पीछे तक की कटिंग चाहिए, तो आप अपने बालों को जो अपनी आईब्रो का जो कॉर्नर है ना उसको ऐसे ऊपर ले जाना है, आपको इस तरीके से ऊपर ले जाना है, एंड यहाँ पर ऐसे लेना है जिस तरीके से हम पफ बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से आपको इस तरीके से यहाँ पर लेना है, एंड ये बाल ऊपर उठा के इसको हमें नीचे लेना है, एंड यहाँ से हमें टेलकॉम से दोबारा से इसे यहाँ से लाइन है ना क्लियर कर लेनी है। बट मैं ज्यादा हैवी कटिंग नहीं चाहती, मुझे थोड़े कम बाल चाहिए आगे के, बस फ्रंट हेयर्स मुझे थोड़े से चाहिए कटिंग के लिए, लेयर्स वाली कटिंग के लिए। तो मैं आईब्रो के कॉर्नर से नहीं, मैं यहाँ पर आईब्रो के बीच में से बिल्कुल मिड एरिया में से मैं यहाँ पर इस तरीके से लूंगी। तो मेरे पास यहाँ पर कॉम है तो मैं कॉम से कर लूंगी, बाकी आपके पास यहाँ पर इस तरीके का ही कॉम ना हो तो आप अपनी फिंगर का भी यूज कर सकते हो। आपको ऐसे इस तरीके से ऐसे ले जाना है, एंड वी बनाना है इस तरीके से, इस तरीके से आपको अपने बालों के सेक्शन को लेना है। तो चलिए, तो मैं अपनी फिंगर से यहाँ पर पहले करूंगी, तो इस टाइप से आपको ऊपर ले जाना है, एंड यहाँ पर आपको रोक करके जितने भी बाल हैं वो सब ऐसे इकट्ठा कर लेने हैं इस तरीके से, एंड उनको नीचे लेना है यहाँ पर। कॉम करने के बाद में हम देख लेंगे कि ये लाइन जो है वो सीधी है या नहीं, तो हम यहां से इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको सीधी लेनी है बिल्कुल लाइन, इस तरीके से बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हो यहां से एकदम ये टेढ़ी लाइन हमें मिल गई है, उल्टा वी कह लीजिए इसको या फिर ए बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इस साइड वाली लाइन भी सीधी ले लेंगे बिल्कुल, अपनी आईब्रो के मिड तक हमको लेना है इस तरीके से, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज यार कटिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के करना पड़ेगा, क्योंकि आप घर पर खुद से ही कर रहे हो एंड बालों का मामला है तो थोड़ा आराम से करना है ये। तो इस तरीके से देखो आप, वी बन गया है ये, इस तरीके से हमारा ये वी बन गया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है तो मैं इसको यहाँ थोड़ा सा सही कर लूंगी। तो
यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरीके से कुछ ये वी बन गया है ये लाइन, एंड इधर से भी ये लाइन इस तरीके से बन गई है। तो अपने हम इन बालों को पीछे की साइड सिक्योर कर लेंगे ताकि ये हमें परेशान ना करे कटिंग करते हुए। तो इन्हें हम पीछे की साइड यहाँ पर सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से। तो ये बाल पीछे की तरफ करने के बाद हमें इन्हीं बालों पर काम करना है, तो इनको हमें अच्छे से यहाँ पर कॉम कर लेना है। एंड इसके लिए आपको सीजर ऐसी लेनी है जो कि काफी अच्छी हो, तेज हो चलने में, वो बिल्कुल भी खराब ना हो, इससे आपके बाल भी खराब हो सकते हैं। तो सीजर आपको अच्छी क्वालिटी की लेनी है यहाँ पर। सो इस तरीके से लेने के बाद हमें अपने बालों को ऐसे घुमाना है। एंड जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बालों की लेंथ कितनी ज्यादा है, एंड यहाँ पर ये बाल जो है मेरे वो दो मुए हैं बहुत ज्यादा। तो मुझे इस तरीके से मैं ले लूंगी एंड यहाँ से मैं इनको इस तरीके से यहाँ से कट कर दूंगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही है, मुझे तो ऊपर से कटिंग करनी है। तो इतने बाल मैंने यहाँ पर ये निकाल दिए हैं, ये काफी ज्यादा बेकार हो गए थे बाल। हमें टाइम टाइम से अपने बालों को कट करते रहना चाहिए, नहीं तो वो खराब होते हैं और बढ़ते भी नहीं है। तो इस तरीके से कट करने के बाद मुझे इतने हेयर्स मेरे अब हो चुके हैं। तो अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। तो हमें इसे थ्री पार्ट में डिवाइड करना है। थ्री पार्ट में कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे आपको लेना है कॉम, एंड यहां से आपको इस तरीके से लेना है और इसको एंड तक ले जाना है, और इस तरीके से ये अलग कर लेना है। तो यहां से आपको ये लाइन दिखेगी, ये देख सकते हो आप, इस तरीके से लेना है। एंड इसको हम पीछे की तरफ यहाँ पर सिक्योर कर देंगे। तो पीछे की तरफ हम इसको एक सेक्शन क्लिप की हेल्प से सिक्योर कर देंगे ताकि वो आगे ना आए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिक्योर कर देंगे। एंड जितने भी ये बाल हमारे आगे बचे हैं इसको भी हमें डिवाइड करना है। तो इसको भी हम इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे, और इसको भी हमें सिक्योर कर लेना है किसी भी साइड आगे या पीछे, जिस भी साइड आप करो इन्हें इस तरीके से यहाँ पर हम सिक्योर कर लेंगे। हमारे पास इतने बाल आगे के हैं तो हम इनको भी पीछे की साइड सिक्योर कर लेंगे यहाँ पर किसी की भी हेल्प से, क्लेचर हो या फिर सेक्शन क्लिप हो, इनको भी हम पीछे यहाँ पर सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से उसके बाद हम लास्ट वाला जो सेक्शन था हमारा वो लेंगे, और हमें यहां से थोड़ा से लूज रखना है ताकि नीचे आ सके। इस तरीके से लेंगे इसको पूरा, और हमें डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके के बाल लेने हैं। लाइक अगर आपको कान के पीछे रखने हैं तो आप इसे ठोड़ी तक यहां तक कट कीजिएगा। अगर आपको कान के पीछे नहीं आगे चाहिए तो आप नोज तक कट कर सकते हो। सो मुझे ये वाले बाल कान के पीछे रखने हैं क्योंकि ये लास्ट वाले हैं। सो अच्छे से कॉम करने के बाद में आपको इस तरीके से लेना है एंड यहां ठोड़ी तक कट कर लेना है। तो ठोड़ी से थोड़ा सा नीचे करेंगे बिकॉज पहली बारी में हमें ज्यादा कट नहीं करना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने कट कर लिए हैं एंड अच्छे से ये मेरे कान के पीछे आ रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद हमें इन्हें दोबारा से इस तरीके से लेना है, करना है, और इसके बाद हमें इसे कट करना है जिगजैग तरीके। जिगजैग मतलब इस तरीके से हमें इन्हें कट करना है ताकि ये थोड़े से यू नो नेचुरल लगे, ऐसे ना लगे कि हमने ऐसे ही बनाया है। तो हम इन्हें इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये देख सकते हो आप, ये कट हो चुके हैं एंड इनको हम फिर से पीछे यहाँ पर सिक्योर कर लेना है सेक्शन क्लिप से ही। अब बारी आती है सेकंड वाले की। सेकंड वाले को हमें लेना है दोबारा, वो हमने ठोड़ी तक काटे थे, तो इसे हमें अपने लिप्स के ऊपर तक लेना है थोड़ा सा इस तरीके से। इस तरीके से लेना है एंड अपने पहले हम थोड़े बाल कट करेंगे इस तरीके से लेना है, और ये देख सकते हो आप ये मेरे लिप्स तक ही आ रहे हैं।
तो लिप्स तक कट कर लिए हैं मैंने। अब उसके बाद हम फिर से वो ही वैसे ही कट करेंगे जैसे हमने पहले किया था, तो एक्स्ट्रा जो भी बच गया उन्हें निकाल देंगे और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा जिगजैग कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद इनको फिर से हमें पीछे की साइड सिक्योर कर लेना है, तो इसी पिन के साथ मैं इसको भी सिक्योर कर लूंगी इस तरीके से। एंड हमें फ्रंट वाले हेयर्स लेने हैं, फ्रंट सेक्शन है जो, उसको भी अच्छे से कॉम करना है। एंड इसको हमें बिल्कुल भी छोटा नहीं रखना है ताकि हमारे बाल जो हमारी आईज में ना आए, इसीलिए मैं इसको भी अपने होठों तक ही कट करूंगी, बस हल्का सा उससे ऊपर, ये देख सकते हो हल्का सा ऊपर है, तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। और उसके बाद इसको भी हम उसी तरीके से जिगजैग तरीके से ही कट करेंगे। तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद हमें ये दोनों बाल लेने हैं और इस तरीके से इन्हें मिक्स कर लेना है, अच्छे से कॉम करना है आपको, इनको इस तरीके से साइड कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे बाल कितनी अच्छे से बाउंस मिल गया है मेरे बालों को। तो मैं अपने बालों को पीछे से भी सब जितने भी बाल हैं वो सबको खोल लूंगी। एंड यहाँ आप देख सकते हो मेरे बाल कितनी अच्छी सी मेरे बालों में कटिंग आई है, मतलब मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने बालों को भी कट कर सकते हो। सो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।